हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लासा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, IRCTC इंडियन रेलवे से रिलेटेड दो लेटेस्ट अपडेट आपके सामने लेकर आ गया हूं। पहला लेटेस्ट अपडेट विस्टाडोम ट्रेन के बारे में होगा और दूसरा लेटेस्ट अपडेट जो होगा पांच और स्पेशल ट्रेनों के बारे में होगा। दोस्तों, दोनों लेटेस्ट अपडेट आपको कुछ नई जानकारी देंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं पहले लेटेस्ट अपडेट की। अब गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचना अब आसान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के विभिन्न हिस्सों से केवड़िया को जोड़ने वाली 8 नई विस्टाडोम ट्रेनों की शुरुआत की है, जिसके बाद लोग अब केवड़िया के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, मध्य प्रदेश के रीवा अब सीधे केवड़िया जा सकती है। यहाँ से 8 ट्रेनें। इन विस्टाडोम कोच की ये खासियत है कि इसकी रूफ यानी कि जब आप छत देखेंगे तो पूरी शीशे की नज़र आएगी, बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, इससे आपको ये एहसास होगा कि जैसे आप खुले में बैठे हुए हैं। और ये ट्रेन वंदे भारत से कुछ मिलती जुलती आपको नज़र आएगी। दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे लेटेस्ट अपडेट की। अब दूसरा लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर आ रहा है 5 नई स्पेशल ट्रेनों के बारे में, जो कि 1 फरवरी से चलनी है। तो यहाँ पर पहली ट्रेन जो है नई दिल्ली कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, ये 1 फरवरी को स्टार्ट होगी और 27 फरवरी 2021 तक चलेगी। हफ्ते में ये 6 दिन चलेगी। यहां पर डिटेल आपके सामने दी गई है। दूसरी ट्रेन जो है प्रयागराज उधमपुर प्रयागराज सुपरफास्ट, ये हफ्ते में 2 दिन चलेगी। ये भी ट्रेन जो है 2 फरवरी से स्टार्ट की जा रही है, 27 फरवरी के लिए डिटेल आपके सामने है। और तीसरी ट्रेन जो है यहाँ पर ग्वालियर बरौनी ग्वालियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन नंबर दिया गया है 1 फरवरी से, ये 28 फरवरी तक चलेगी। क्या क्या टाइमिंग है आपके सामने पूरी डिटेल दी गई है। चौथी ट्रेन जो है टनकपुर सिंगरौली टनकपुर स्पेशल, ये हफ्ते में 3 दिन चलेगी, 3 फरवरी से ये लेकर के अगले आदेश तक चलती रहेगी। जब तक अगला आदेश नहीं आता है तब तक ये ट्रेन चलती रहेगी। और पांचवी ट्रेन है टनकपुर शक्तिनगर टनकपुर स्पेशल, ये हफ्ते में 3 दिन चलेगी, 3 फरवरी से ये अगले आदेश तक ये भी चलती रहेगी। हफ्ते में कितने दिन चलेगी, क्या क्या टाइमिंग है, यहाँ पर आपके सामने सब कुछ दिया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती है नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।